सांबर हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, इसको कर देते हैं सर्व। एकदम लाजवाब बन करके आया है। तो ये गए हमारे बड़े लजीज। देखिए दोस्तों, ये तैयार है हमारा सांबर वड़ा, बन के आया है बहुत ही जबरदस्त। एक आपको दिखा भी देता हूँ क्या जबरदस्त क्रिस्पी है। सांबर भी देखिए आप, क्या ही जबरदस्त है। इसमें हमने डाली है लौकी और यूज किया हमने गाजर। जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। सांबर की कंसिस्टेंसी देखिए आप, एकदम जबरदस्त दिख रही है। अगर आपको थोड़ा पतला सांबर पसंद हो तो आप इसमें थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। तो आप देखिए वीडियो कितना आसान है बनाना, सांबर वड़ा इंस्टेंटली। तो सांबर बनाने के लिए हमने कुछ गाजर इस तरीके से काट लिए हैं, और ये हमारे घर की लौकी है। इसको हम इतना बड़ा यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ले रहे हैं छोटा सा, बस इतना सा ही ये पीस, और इसको यूज करेंगे हम सांभर में। तो ये देखिए दोस्तों, जब आप सांभर में लौकी डालें तो इसकी ये जो कवरिंग है इसके साथ ही डालें, इसको बिल्कुल भी पील करने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये हमने ले लिया है अपना सांभर बनाने के लिए कुकर। ये जा रही है इसके अंदर लौकी और गाजर, साथ में जा रही है ये तूर दाल। तूर दाल हमने लिया है 4 मुट्ठी, और अब इसमें डालेंगे हम पानी। तो ये जा रहा है पानी इसके अंदर। इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। इसके ऊपर आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस इतना ही पानी डालिए। अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो जब आप इसको उबालने के लिए रखेंगे प्रेशर कुकर में, तो आपकी लौकी गाजर ये डांस करने लग जाएंगे पानी के अंदर। नमक डालिए आप इसके ऊपर से स्वाद अनुसार, और डालिए हल्दी को अच्छी तरीके से कर दीजिए मिक्स। इसको रखते हैं गैस पे कुक होने के लिए। इसको आपको बिल्कुल फाइन कुक करना है, तो इसको आप 4 या 5 सीटी दीजिए। तो जब तक हमारा सांबर बन रहा है तब तक हम बना लेते हैं अपने ये वड़े। हमने लिया है ये उड़द की दाल, इसको हमने रात में भिगो दिया था, और हमने इसको मिक्सी में ग्राइंड भी कर लिया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसा बन करके आया हमारा पेस्ट, और कैसे बना रहे हैं हम अपने वड़े। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा उड़द दाल का पेस्ट है जो कि हमने पीस लिया है ओवरनाइट सोक करने के बाद। इसको हमने अच्छी तरीके से पीस लिया। तो ये देखिए मटेरियल हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसको आपको टेस्ट करना है कि ये आपका बिल्कुल आपने इसको फेटा है कि नहीं। तो एक तरीका ये है कि आप लीजिए ये एक बाउल, और उसमें डाल दीजिए छोटी सी एक गोली इस मिक्सचर की। अगर ये पानी के ऊपर आ गया, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे ये पानी के ऊपर आ चुका है, इसका मतलब कि आपका मिक्सचर बहुत अच्छा बना है। तो अब हम डाल रहे हैं इसमें ये काफी सारा सा जीरा, नमक भी डाल रहे हैं। नमक डालिए आप अपने स्वाद अनुसार। डेगी लाल मिर्च डाल रहे हैं कलर के लिए, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और डाल रहे हैं हम ये हल्दी, ये कलर के लिए, ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है। साथ में जा रहा है काफी सारा सा ये कटा हुआ धनिया, ये जरूर डालिए, इससे बहुत जबरदस्त सा एक टेस्ट आएगा। और डाल रहे हैं हम ये बारीक कटा हुआ प्याज। इन सब चीजों को हम अच्छी तरीके से अब कर देंगे मिक्स, और उसके बाद बनाएंगे हम अपने ये जबरदस्त वड़े। हमने इस वड़े के मटेरियल में राइस फ्लोर का बिल्कुल यूज नहीं किया है, हम सिर्फ बना रहे हैं इसको उड़द दाल से, जिसको कि हमने रात में ओवरनाइट सोक किया, उसके बाद सुबह मिक्सी में पीसा। इसमें कोई बेकिंग पाउडर या सोडा का भी यूज नहीं कर रहे हैं। ये देखिए हमारे इसका कलर क्या ही जबरदस्त आया है। और अब हम बनाते हैं अपने जबरदस्त वड़े। हमारा तेल हो गया गरम, हम इस चम्मच की सहायता से, 2 चम्मचों की सहायता से बना रहे हैं ये। तो ऐसे आप लीजिए 1 चम्मच में, दूसरी चम्मच से इसको हल्की सी शेप दीजिए, और इसके अंदर ये ऐसे स्लिट कर दीजिए। छोटा बड़ा शेप आप खुद अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको छोटा चाहिए तो आप छोटी चम्मच ले लीजिए, बड़ा इससे भी बड़ा चाहिए तो आप थोड़ी और बड़ी चम्मच। बहुत ही आसान तरीका है और बनते भी लाजवाब है। ये वड़े जो हैं आपको बनाने बिल्कुल धीमी आंच पे। तो देखिए ये वड़े बन रहे हैं हमारे जबरदस्त, ऊपर आ चुके हैं फूल करके। हम एक और चम्मच की सहायता से इसको कर देंगे टर्न। ये देखिए दोस्तों क्या जबरदस्त कलर आ रहा है इनका भी रहे हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप वड़े बनाए तो आप तेल में इनको ओवर क्राउड ना करें, जैसे कि हमने इसमें लिमिटेड बनाए हैं, इनको ज्यादा ओवर क्राउडेड नहीं किया है। तो आप देख लेते हैं दूसरी साइड से भी वड़ा एकदम जबरदस्त बन गया है। बस इसको 2 मिनट के लिए और फ्राई होने देंगे और फिर हम निकालेंगे। बड़े हमारे बन चुके हैं और अब हम इनको निकाल लेते हैं। आप इनकी कलर देखिए, शेप देखिए, एकदम जबरदस्त है।
अगर आपको बिल्कुल बाजार की स्टाइल के बनाने हैं जो कि थोड़े इससे भी बड़े होते हैं, तो आप थोड़ी बड़ी करछी ले लीजिए। देखिए दोस्तों, सांभर हमारा उबल करके आ गया है और अब हम इसमें तड़का मारेंगे ताकि इसमें कलर आए। सांभर पाउडर डालेंगे और डालेंगे नींबू और थोड़ा सा इसको हल्का सा मैश भी करेंगे। जो गाजर है, लौकी ऐसी की ऐसी ही रहेगी, सिर्फ गाजर को मैश कर देंगे। थोड़ा सा आप एक मैशर की सहायता से हल्का सा करिए मैश, ज्यादा मैश मत करिएगा, बस एक हल्का सा इसको मिक्स करना है। तो अब हम अपना तड़का बना लेते हैं सांभर का। ये हमने थोड़ा सा तेल ले लिया है, इसमें काफी सारी सी जा रही है सरसों की सीड, करी पत्ता, बस ये भी हो गया तैयार। और इसको डाल देते हैं हम अपने सांभर के अंदर। तो ये गया हमारा तड़का। अब हमने ले लिया नींबू का रस, इसमें सबसे पहले डाल रहे हैं हम ये सांभर मसाला, काफी सारा सा। ये हमारे घर का ही बना हुआ सांभर मसाला है, हमने लिया 4 चम्मच, इस चम्मच की सहायता से 4 चम्मच सांभर मसाला। अब इसमें डाल रहे हैं हम ये ग्रेटेड कोकोनट 2 चम्मच, ये है शुगर, गोल्डन ब्राउन शुगर है, ये ब्राउन शुगर डाल रहे हैं 2 चम्मच। थोड़ी सी जा रही है डेगी लाल मिर्च कलर देने के लिए, बस यही सब है मसाला। इसको आप इस नींबू के पानी में अच्छी तरीके से कर दीजिए मिक्स। और अब हम इसको डाल देते हैं अपने सांभर में। ये गया सारा का सारा सांभर मसाला, इसको भी एक स्पिन दीजिए। थोड़ा सा इसमें ये गरम पानी भी डाल देते हैं, इसको भी दे दीजिए एक मिक्स। और अब डाल दीजिए थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसको करने जा रहे हैं बॉईल, हल्का सा, सिर्फ एक बॉईल देंगे। सांबर हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, इसको कर देते हैं सर्व। एकदम लाजवाब बन करके आया है। मेरे को तो गाढ़ा ही सांबर अच्छा लगता है, अगर आपको पतला सांबर अच्छा लगता हो तो आप इसमें थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। ये लगा दी हमने प्लेट और अब हम अपने लगाते हैं इसमें वड़े। तो ये गए हमारे वड़े लजीज। देखिए दोस्तों, ये तैयार है हमारा सांबर वड़ा, बन के आया है बहुत ही जबरदस्त। एक आपको दिखा भी देता हूं क्या जबरदस्त क्रिस्पी है। और इसके अंदर जो होता है रोल होता है, वो अंदर से कितना अच्छा ये पका है, एकदम लजीज, एकदम लाजवाब, एकदम क्रिस्पी। सांभर भी देखिए आप क्या ही जबरदस्त है। इसमें हमने डाली है लौकी और यूज किया हमने गाजर, जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। आप या तो इनको ऐसे ही खा सकते हैं या फिर इसके अंदर डुबोइए और इसके साथ खाइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।